देखो अगर आप फुल मैप रैंक में रैंक पुश करके ग्रैंड मास्टर फिर मास्टर करने की सोच रहे हो ना तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको ड्यू या फिर स्क्वाड मोड में रैंक पुश करने के सात ऐसे टिप्स बताए हैं जैसे अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करोगे ना तो आप काफी आसानी से ग्रैंड मास्टर पहुंच जाओगे। एंड इस वीडियो की जो सबसे लास्ट वाली टिप है वो आपके लिए काफी ज्यादा काम की होने वाली है, क्योंकि इसमें मैंने आपको ग्रैंड मास्टर प्लेयर्स द्वारा यूज किए गए सीक्रेट ट्रिक को रिवील किया है, जिसे अगर आप यूज करोगे ना तो आपको हर एक मैच में फुल प्लस मिलेगा। तो आप समझ सकते हो यार ये वीडियो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे 1 लाख जरूर कर देना। तो यार बस बने रहना मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ओके सबसे पहले देखो यार मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको लोडआउट में क्या क्या चीजें रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मैटर करता है रैंक पुश के टाइम। तो अगर आप ड्यू या फिर स्क्वाड मोड में रैंक पुश करते हो ना तो वहाँ पर ना आपको सिर्फ दो ही लोडआउट का यूज करना है। आप यहाँ पे या तो बॉनफायर का यूज कर सकते हो या फिर आप यहाँ पे सप्लाई क्रेट का यूज कर सकते हो। अगर आप बॉनफायर का यूज करते हो तो आपको हर एक मैच में 3 बॉनफायर मिल जाता है, एंड ये बॉनफायर आपको बहुत ही सारे क्रिटिकल सिचुएशंस में हेल्प करता है। एंड वहीं अगर आप सप्लाई क्रेट लेते हो ना तो जब आप एक बार मरने के बाद फिर से रिवाइव हो जाओगे ना तो वहाँ पर आपके हाथ में ऑटोमेटिकली थॉम्सन आ जाएगा, एंड इसी के साथ ना आपको वहाँ पे 200 FF टोकन्स मिल जाएंगे। जब आपको स्टार्टिंग में ही थॉम्सन मिल जाती है ना तो वहाँ पर अगर आपके सामने बंदा होता है ना तो उसे आप काफी आसानी से मार सकते हो। एंड साथ ही जो आपके पास वहाँ पे 200 FF कॉइन्स होते हैं ना तो अगर आपका कोई टीममेट वहाँ पे मर गया है ना तो आप पिंक वाली वेंडिंग मशीन से उसे काफी आसानी से रिवाइव दे सकते हो। एंड अब बात करें कैरेक्टर कॉम्बिनेशंस के, तो आपके स्क्वाड में ना सभी बंदे के पास के कैरेक्टर होना चाहिए एक्टिव कैरेक्टर में। एंड आप में कम से कम 1 या 2 बंदे के पास मिशा कैरेक्टर होना ही चाहिए, क्योंकि मिशा कैरेक्टर खासकर उसने पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जो आपके सारे टीममेट्स मर जाते हैं ना तो वहाँ पर अगर आपको कोई गाड़ी मिल जाती है ना तो आप काफी आसानी से उस मैच में टॉप 2 या फिर टॉप 1 भी कर सकते हो। अब सेकंड टिप में मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको लैंडिंग कहाँ पे करनी है, क्योंकि लैंडिंग मैच का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आप अच्छी जगह पे लैंडिंग कर लेते हो ना तो आप 50% मैच को वहीं पे जीत जाते हो। तो देखिए जो आपको वहाँ पे मैच मेकिंग लगने के बाद आपका जो लॉबी आता है ना वहाँ पर आपको उस लॉबी में पूरी तरह से अच्छे तरह से ऑब्जर्व करना है कि अगर आपके लॉबी में बहुत ही ज्यादा तगड़े बंदे आते हैं ना तो आपको किसी एक सेफ प्लेस पे लैंडिंग करनी है। एंड वहीं अगर आपको ऐसा लगता है ना कि इस लॉबी में थोड़े नूब जैसे बंदे हैं तो आपको वहाँ पे मिल या फिर ऑब्जर्वेटरी जैसे भी जगहों पे लैंड करनी है, जहाँ पर ना आपको स्टार्टिंग में ज्यादा से ज्यादा किल्स मिल सके। अब तीसरी टिप में देखो जब भी आप किसी भी बंदे से फाइट लेते हो ना तो आपके स्क्वाड में ना किसी एक बंदे को थोड़ा दूर से ही फाइट लेने का ट्राई करना है। एंड जो आपके स्क्वाड के 3 बंदे होंगे ना वो क्लोज रेंज में जाके एनिमी से फाइट लेंगे। अब इस तरह से जब आप फाइट लेते हो ना तो देखिए जो 3 बंदे क्लोज रेंज में फाइट ले रहे हैं अगर वो एक साथ मर जाते हैं ना तो आपका जो चौथा बंदा है ना जो थोड़ी दूर पे है वो काफी आसानी से वहां से बच के निकल के आपको बाद में रिवाइव दे सकता है। एंड देखिए जब भी आप ड्यू या फिर स्क्वाड मोड खेलते हो ना तो एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई टीममेट मर जाता है ना तो आपको वहां पे उसे जल्दी से जल्दी रिवाइव देना है। आपको रिवाइविंग को ना हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी देना है। जब भी आपका कोई बंदा फिनिश हो जाता है ना तो आपके नजदीक जो भी वेंडिंग मशीन होती है ना वहां से आपको फटाक से अपने टीममेट को रिवाइव दे देना है। जब आप रिवाइविंग को फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे ना तो आप काफी आसानी से ना हर एक मैच को बुया कर सकते हो, क्योंकि जब आपके स्क्वाड के सभी बंदे अलाइव होंगे ना तभी आप उस मैच को आसानी से बुया कर पाओगे। अब यार फोर्थ टिप में आपको ये बताता हूँ कि जो आपके स्क्वाड में सिर्फ एक ही बंदा बचा होता है ना तो कैसे उस आखिरी वाले बंदे को लास्ट दिन तक सर्वाइव करके उस मैच को निकालना है। तो एग्जांपल के तौर पे अभी आप बैकग्राउंड क्लिप में देखो यहाँ पे ना मैं सिर्फ अकेला बंदा बचा हूँ अपने स्क्वाड में, मेरे सारे टीममेट्स यहाँ पे मर चुके हैं। तो सबसे पहले देखो मैं उनको यहाँ पे रिवाइव कराने का ट्राई करूंगा। मेरे पास यहाँ पे काफी सारे टोकन है तो इधर मैं वेंडिंग मशीन के पास जा रहा हूँ। अभी यहाँ पे देखो जैसे मैं इस वेंडिंग मशीन के पास आता हूँ ना यहाँ पे ऑलरेडी एक बंदा रिवाइव दे रहे होते हैं, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ, तो उसे मैं काफी आसानी से उसे खत्म कर देता हूँ। अब इस बंदे को नॉक करने के बाद मैं सबसे पहले इधर एक ग्लोवा लगा के अपने सारे टीममेट्स को रिवाइव दे देता हूँ। यहाँ पर देखो जब भी आप अपने टीममेट्स को किसी भी वेंडिंग मशीन से रिवाइव देते हो ना तो आपको वहाँ पे सबसे पहले 1 या 2 ग्लोवास लगा देनी है। अगर आप ग्लोवास नहीं लगाते हो ना तो आपके नजदीक अगर कोई बंदा होगा ना तो आपको काफी आसानी से मार के चला जाएगा, जैसे कि मैंने इस बंदे को खत्म किया है। अभी यार यहाँ पे सभी टीममेट्स को रिवाइव देने के बाद जब मैं जोन को कवर कर रहा होता हूँ ना इतने यहाँ पे एक पूरी स्क्वाड आ जाती है, एंड वो मेरे को यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं फटाक से ग्लोवा लगा के ना ऊपर के साइड आके थोड़ा बहुत हील कर लेता हूँ। एंड जब मेरे को एक अच्छा मौका मिलता है ना तो मैं विंडो से जंप करके यहाँ पे जोन का रोटेशन लेना स्टार्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं उनसे फाइट नहीं लेता हूँ क्योंकि देखो इधर जोन भी आ रहा होता है एंड वो काफी सारे बंदे होते हैं। अभी यार जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा आगे आता हूँ ना इतने मेरे को यहाँ पे आगे एक और बंदा मिल जाता है जिसको मैं काफी ज्यादा डैमेज कर देता हूँ। एंड उस बंदे को फिनिश करने के लिए ना जैसे मैं उसके ऊपर रश करने जाता हूँ ना वो बंदा मेरे को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। अब जब मैं यहाँ पे काफी ज्यादा डैमेज हो जाता हूँ ना तो मैं फटाक से ग्लोवा लगा के इधर फेंस के पीछे आके हील कर लेता हूँ। अब इधर हील करने के बाद मैं इस बंदे से फाइट नहीं लेता हूँ क्योंकि देखो हमारा जोन काफी ज्यादा छोटा हो चुका था, एंड अगर मैं जोन के बाहर फंस गया ना तो मैं जोन के बाहर ही एलिमिनेट हो जाऊंगा। तो यहाँ पे इस बंदे से फाइट लेने के बजाय मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड से जोन का रोटेशन लेना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड जब मैं यहाँ पे फाइनली जोन के अंदर आ जाता हूँ ना तो इधर मैं कोकोनट ट्री के पीछे वेट करते रहता हूँ उस बंदे का जिससे मैं फाइट ले रहा था जोन के बाहर। अब इधर थोड़ी देर वेट करने के बाद वो बंदा यहाँ पे जोन को कवर करने लगता है तो उस बंदे को मैं काफी आसानी से फिनिश कर देता हूँ। उसे पहले से ही जोन का डैमेज पड़ा होता है। तो यहाँ पर आपको एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि जो आपका जोन बहुत ज्यादा छोटा हो जाता
आता है ना, तो आपको जोन के बाहर फाइट नहीं लेनी है, आपको सबसे पहले जोन को कवर करने का ट्राई करना है। अभी आप देखो यार, मैंने जिन जिन टीममेट्स को रिवाइव दिया था ना, वो सारे टीममेट्स यहाँ पे वापस मर जाते हैं, एंड मैं यहाँ पे फिर से अकेला बंदा बचता हूँ अपने स्क्वाड का। तो अभी मैं अपनी टीम को अच्छी पोजीशन दिलाने के लिए ना मैं यहाँ पे वेट करते रहता हूँ इस पेड़ के पीछे। यहाँ पर देखो जोन कितना ज्यादा छोटा हो चुका है, अभी भी बंदे यहाँ पे रिवाइव हो रहे हैं। अभी लगभग 15 बंदे अलावे इस छोटे वाले जोन में। अभी यहाँ पे मैं जैसे आगे आता हूँ ना, यहाँ पे लेफ्ट साइड में मुझे एक बंदा दिखता है, वो भी शायद अकेला बंदा बचा रहता है अपने टीम का। तो उस बंदे पे मैं जैसे ही फायर करता हूँ ना, तो फायर करने के बाद ना मैं यहाँ पे राइट साइड में ग्लास लगा देता हूँ, क्योंकि देखो फायर करने के बाद ना यहाँ पे सभी एनिमीज को मेरा लोकेशन पता चल चुका है, तो इसलिए यहाँ पे मैं पहले ही इधर ग्लास लगा देता हूँ। अभी यहाँ पे ग्लास लगाने के बाद ना मैं यहाँ पे लेफ्ट वाले बंदे का वेट कर रहा था, एंड जैसे ये बंदा ओपन में आता है ना, इसे मैं काफी आसानी से खत्म कर देता हूँ। अब इस बंदे को फिनिश करने के बाद अभी भी इस मैच में 6 बंदे अलाइव होते हैं, तो यहाँ पे मैं उनके मरने का वेट करते रहता हूँ। सामने देखो फाइट हो रही है, मैं यहाँ पे इंटरफेयर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं अकेला बंदा बचा हूँ। अगर मैं यहाँ पे उन पे फायर करना स्टार्ट कर दिया एंड सामने अगर पूरी स्क्वाड अलाइव है ना, तो वो सभी एक साथ मेरे ऊपर रश कर देंगे, जिसके बाद वो काफी आसानी से मेरे को खत्म कर सकते हैं। तो इसलिए देखो यहाँ पे मैं और भी ज्यादा पेशेंस दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पे वेट कर रहा हूँ एक राइट टाइम का। अभी यार थोड़ी देर वेट करने के बाद ना सामने काफी सारे बंदे मर जाते हैं, सिर्फ एक ही बंदा अलाइव होता है, यानी कि मेरे साथ 1v1 का सिचुएशन है। अब मेरे को जैसे ही पता चलता है कि सामने सिर्फ एक ही बंदा अलाइव है, तो उस बंदे से मैं फाइट लेना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड अभी अब यहाँ पे देखो यार, जैसे मैं एक दो बुलेट फायर कर रहा हूँ ना, तो उसके बाद मैं फटाक से ग्लोअ लगा रहा हूँ। तो आपको भी ऐसे ही फाइट लेनी है। अब ग्लोअ लगाते लगाते जब मेरे को एक अच्छा मौका मिल जाता है ना, तो उसे मैं काफी आसानी से एमटेन से फिनिश करके इस मैच को बुआ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैसे मैंने इस पूरे मैच को निकाला है एंड अपनी टीम को मैंने बुआ दिला। जब आप अपने स्क्वाड में अकेले बंदे बचे रहते हो ना, तो वहाँ पर आपको बहुत ज्यादा पेशेंस दिखाना है एंड आपको एक राइट टाइम का वेट करना है। अब अगली टीम में मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको जोन के रोटेशन कैसे लेने हैं, क्योंकि जोन रोटेशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अगर आप अच्छी तरह से जोन का रोटेशन ले लेते हो ना, तो आप किसी भी मैच को बुआ निकाल सकते हो। तो देखिए आपके जो भी स्टार्टिंग के 3-4 जोन होते हैं ना, उन सभी जोन में ना आपको जोन के एज पे रहकर जोन का रोटेशन लेना है। एंड जो आपका जोन बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है ना, तो छोटे वाले जोन में आपको जहाँ कहीं भी परमानेंट कवर मिलता है ना, वहीं पे आपको कवर लेके वेट करते रहना है। और देखो अगर आपको जोन के अंदर कोई हाइट वाला प्लेस मिलता है ना, तो जरूर से आपको लॉन्चपैड का यूज करके उसके ऊपर जाके आपको फाइट लेनी है एनिमी से। उससे ना आपको बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा। जब आप किसी हाइट वाले प्लेस से फाइट लोगे ना, तो एनिमीज को आप काफी आसानी से हेडशॉट मार के खत्म कर सकते हो। एंड फाइट लेते टाइम ना आपको एंटी मटेरियल लॉन्चर का जरूर से यूज करना है। एंटी मटेरियल लॉन्चर से ना आप काफी आसानी से एनिमीज का ग्लोअल तोड़ सकते हो। अब 6th टिप में देखो, जो आपका जोन बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है ना, तो आप सभी बंदे को ना एक ही साथ रहना है। एंड अगर जोन के अंदर कोई वेंडिंग मशीन गिरता है ना, तो आपको उस वेंडिंग मशीन के पास ही रहना है। जब आप लास्ट जोन में वेंडिंग मशीन के पास रहोगे ना, तो वहाँ पर काफी सारे एनिमीज अपने टीममेट्स को रिवाइव देने आएंगे, तो वहाँ पर आपको फ्री किकल्स मिल सकते हैं। जैसे कि इधर बैकग्राउंड क्लिप में देखो, यहाँ पे वेंडिंग मशीन के पास हम लोग वेट कर रहे हैं लास्ट जोन में, एंड यहाँ पे जैसे कोई एनिमी आ रहा है ना अपने टीममेट को रिवाइव देने, तो हम काफी आसानी से उन्हें किल कर रहे हैं। और देखो जो आपके सामने लास्ट वाली स्क्वाड या फिर ड्यूल बची होती है ना, तो उनसे फाइट लेने के लिए ना आपको अकेले कभी भी नहीं जाना है किल के चक्कर में। आप सभी बंदे को ना एक साथ उनके ऊपर रश करना है। अगर आप अकेले जाकर उनके हाथों मर जाओगे ना, तो बुआ आपके हाथ से निकल जाएगा। अब आज की वीडियो की सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताता हूँ कि जो ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर्स होते हैं ना, वो कैसे हर एक मैच में फुल प्लस लेते हैं। तो उस चीज को समझने के लिए मैं आपको सबसे पहले ये बताता हूँ कि जो आप ड्यूओ या फिर स्क्वाड मोड खेलते हो ना, तो वहाँ पर आपको 5 तरह के रैंक पॉइंट्स मिलते हैं। पहला हो गया हमारा रैंक स्कोर, जो कि आपके पोजीशन के बेसिस पे मिलता है। दूसरा है बैटल स्कोर, जो कि आपके किल्स एंड डैमेज के बेसिस पे मिलता है। तीसरा है हेल्प अप स्कोर, जो आपका कोई टीममेट नॉक हो जाता है ना, तो उस टीममेट को जो आप रिवाइव देते हो ना, तो वहाँ पर आपको हेल्प अप स्कोर मिलता है। चौथा है रिवाइव स्कोर, ये आपको तब मिलता है जब आप अपने किसी टीममेट को वेंडिंग मशीन या फिर वायर पॉइंट से रिवाइव देते हैं। एंड 5वां पॉइंट आपको मिलता है टीममेट्स को हील करने का, ये आपको तब मिलता है जब अपने किसी टीममेट को ट्रीटमेंट गन या फिर ट्रीटमेंट स्नाइपर से हील करते हो। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि कैसे ग्रैंड मास्टर वाले प्लेयर्स को हर एक मैच में ये 5 स्कोर मिलते हैं। तो उसके लिए देखो सबसे पहले ना वो लोग वेंडिंग मशीन से ट्रीटमेंट गन खरीद लेते हैं, एंड उसके बाद ना वो अपने एक टीममेट को खुद से नॉक होने के लिए बोलते हैं। एंड जब वो बंदा खुद से नॉक होता है ना, तो उसके बाद ये लोग उसको रिवाइव देते हैं, जिसके बाद इन्हें हेल्प अप का स्कोर मिल जाता है। एंड फिर जब वो बंदा रिवाइव हो जाता है ना, तो उसके बाद ना ये लोग ट्रीटमेंट गन से उसको हील कर देते हैं। एंड जब वो ट्रीटमेंट गन से अपने टीममेट्स को हील करते हैं ना, तो इससे भी उन्हें थोड़ा बहुत रैंक पॉइंट मिल जाता है। एंड हर मैच में ना वो लोग ये चीज 3-4 बार करते हैं, अपने एक टीममेट को 3-4 बार नॉक होने के लिए बोलते हैं, फिर उन्हें रिवाइव देते हैं, एंड फिर ट्रीटमेंट गन से उन्हें हील कर देते हैं। अभी आपको पता ही होगा कि पिछले अपडेट में ना हमारे गेम में सभी ड्रम्स को हटा दिया गया था, जिससे कि ना आपसे ड्रम डैमेज लेके रैंक पुश करना बंद हो गया है। तो जब वो चीज बंद हुई ना, तो लोगों ने एक और तरीका निकाल लिया, जिसे मैंने आप सभी को बता दिया है। तो अगर आप मैच में ज्यादा किल्स नहीं कर पाते हो ना, तो इस चीज को फॉलो करके आप अपने रैंक पॉइंट्स को काफी ज्यादा बढ़ा सकते हो, एंड फिर आप काफी आसानी से मास्टर या फिर ग्रैंड मास्टर के लिए रैंक पुश कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैंने आपको ड्यूओ या फिर स्क्वाड मोड में रैंक पुश करने के लिए ना 7 टिप्स बता दिए, जिसे अगर आप अच्छी तरह से फॉलो करोगे ना, तो आप काफी आसानी से ना किसी भी सीजन में ग्रैंड मास्टर कर सकते हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा ना, तो इसे एक लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए थे, इसे सब्सक्राइब कर देना। तो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और वीडियो में।